नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे ब्लॉकबस्टर फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर इन दिनों सिनेमा घरों में रिलीज है और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में छप्पर फाड़ कलेक्शन कर झंडे गाड़ रही है। फिल्म के आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 3 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। दिन रात के सोर्स हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से ताबड़तोड़ 178.70 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर 2023 की बेस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी। तो वहीं फिल्म ने अपने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से करीब 100 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर महज 2 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 280 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की। दोस्तों बात करेंगे फिल्म सलार के आज के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की। तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर भी फायर कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं। फिल्म फिलहाल डे 3 के अंदर भी अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। बात करेंगे फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की। तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस से ऑल लैंग्वेजेस को मिलाकर डे 3 के अंदर 80 करोड़ की कमाई कर रही। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 120 करोड़ के करीब कमाई होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर का फ्रॉम डे 3 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से ऑल लैंग्वेजेस को मिलाकर फ्रॉम डे 3 तक 235 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से फ्रॉम डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 420 करोड़ कमा चुकी है। जी हां दोस्तों, फिल्म महज 3 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और फिल्म का रफ्तार जिस तरीके से है, फिल्म तेजी से 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों फिल्म का हिंदी बेल्ट से फ्रॉम डे 3 तक 50 करोड़, तो वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 163.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म सलार के बजट की बात करें तो फिल्म सलार को 400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म सलार के लिए प्रभास को 100 करोड़ की फीस दी गई है। तो वहीं दोस्तों फिल्म की बात करें तो प्रशांत नील के डायरेक्शन में होमले फिल्म्स प्रोडक्शन में बनी सलार पार्ट 1 सीज फायर में प्रभास का दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। फिल्म देख KGF की थोड़ी बहुत याद आ जाएगी। तो वहीं दोस्तों फिल्म में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी काफी दमदार नजर आए हैं। तो वहीं जगपति बाबू भी पिता के रोल में जबरदस्त दिखे हैं। दोस्तों बता दो कि फिल्म हर भाषाओं में दमदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ऑडियंस के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब रही है। दोस्तों फिल्म देखने की सोच रहे हैं और अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखा तो नजदीकी थिएटर में जाके इस वीकेंड के बाद भी फिल्म का मजा जरूर ले। फिल्म का थिएटरिकल एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त है। दोस्तों फिल्म थिएटर में ही देखने में मजा आएगा। फिल्म को दोस्तों मिस किया तो नजदीकी थिएटर में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए। तो दोस्तों ये था लेखा झोंका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक कर एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।